तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए सूर्य देव पूरे एक साल के बाद उच्च के हुए हैं, वो भी कुंडली के सप्तम भाव में। सूर्य का कुंडली के सप्तम भाव में उच्च का होना ये कोई साधारण घटनाओं में गिनती नहीं होगी इसकी, ये एक विशिष्ट और अति विशेष घटना है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी से लेकर के 14 मई 2024 तक सूर्यदेव तुला राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में उच्च के रहेंगे। और कुंडली के सप्तम भाव में उच्च के रहने के कारण क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा रिजल्ट मिलेगा, उन सभी विषयों पर मैं बात करेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सस्त्री काल के छो कस्य काय करो हाले किनाछी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू ते हो उसकी राशि तुला ही होती है, वो व्यक्ति तुला राशि का होता है। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए नाम का पहला अक्षर तो ये हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि यही हो, क्योंकि आपका जन्म राशि कुछ और भी हो सकता है। आपकी जन्म राशि कुछ और हो सकती है, नाम राशि तुला हो सकती है, अथवा जन्म राशि तुला हो सकती है, नाम राशि कुछ और हो सकती है। तुला से अगर आपका कहीं से भी कुछ भी कोई भी कनेक्शन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए चर्चा को आरंभ करें। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में बैठने के कारण कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, तो कुछ अच्छी रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में आप स्वाभिमानी कहलाएंगे। किसी के भी दबाव में, किसी के भी नीचे दबने का अपने स्वाभिमान को ठेस लगता हुआ आप महसूस नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई आपके स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, कोई आपके स्वाभिमान के साथ अगर खेलने का प्रयास करेगा, आप उसे छोड़ेंगे नहीं, आप उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय में सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपका हृदय भी काफी कठोर हो गया है। इस समय में आप कठोर से कठोर निर्णय लेने में भी संकोच नहीं करेंगे। कठोरता का अर्थ है कि ऐसा निर्णय कि जिससे कि आपको तकलीफ हो, आपके परिवार वालों को तकलीफ हो, आपके मित्र आपके दोस्त किसी को भी तकलीफ भी हो, फिर भी वो निर्णय अगर जरूरी है तो वो आप निश्चित तौर पर मिलेंगे। सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में आप आत्मरत रहेंगे। न उधो से लेना न माधो को देना, यानी कि अपने आप में लीन रहना, लेना न देना मगन रहना। आप इस समय में अपने आप में लीन रहेंगे, आत्मरत रहेंगे, ना ही किसी का फायदा पहुंचाएंगे, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में आपको जीवन साथी के साथ कुछ वैमनस्यता की स्थिति, कुछ क्लेश की स्थिति भी सामने आ सकती है, तो उस मामले में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये समय आपके लिए जीवन साथी के बातों को थोड़ा सा बर्दाश्त करने का है, खट्टे मीठे रिश्तों को समझने का ये समय है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ जगहों पर मैं आपको अपमानित करने की साजिश भी रचनी शुरू हो गई है अभी से 14 मई तक, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, आंख और कान दोनों खुले रखने चाहिए। ऐसे जगहों पर में भी आपको जाने से बचना चाहिए जिस जगह पर आपको शक है, शंका है कि आपको अपमानित किया जा सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो किसी विषय को लेकर के, किसी बात को लेकर के थोड़ा सा चिंता आपके मन में रह सकती है। आप थोड़े से चिंतित जो है सो इस समय में हो सकते हैं। यहां से सप्तम दृष्टि सूर्य की कुंडली के प्रथम भाव पे पड़ेगी। जैसे ही प्रथम भाव पड़ेगी तो राजा वाला रुतबा आ जाएगा, एक रजोगुण का संचार हो जाएगा, रजोगुण का उदय हो जाएगा और आप जो है सो रजोगुणी कहलाएंगे, यानी कि
रजोगुनी का क्या अर्थ है देवी और सज्जनों? रजोगुनी का अर्थ है कि राजा के समान ठाठ बाठ जीने की इच्छा लाना, जीने की कोशिश करना। आंख से संबंधित कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है, धन की प्राप्ति होगी और आप इस समय में सामान्य धनवान भी कहलाएंगे। साधु संत की सेवा करने में भी आप पीछे नहीं हटेंगे, साधु संतों का भी आप निश्चित तौर पर में जो है सो सेवा करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कहते हैं कि धर्म करैत जौ हुए हानि तयो न छोड़ी धर्मक वाणी। धर्म को करते हुए अगर किसी प्रकार की समस्या भी आए, परेशानी भी आए, फिर भी आपको धर्म के रास्ता को नहीं छोड़ना चाहिए। इस समय में आप साधु सेवा में जो है सो बिल्कुल लगे रहेंगे। मंत्र साधना मीटिंग वगैरह बहुत सारी होगी, साधना इस समय में खूब करेंगे, वेद वेदांत का अध्ययन करने का अवसर भी मिलेगा। अपने पिता की बहुत सेवा करेंगे इस समय में आप, आपके पिता अति प्रसन्न रहेंगे और पिता जब अति प्रसन्न हो तो आपको जब आशीर्वाद देंगे तो आपको फलित होगा। बड़े बड़े लोगों से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आप राजमान्य कहलाएंगे और एक अच्छे जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो एक अच्छे चिकित्सक, एक अच्छे डॉक्टर भी कहलाएंगे। सप्तम भाव में सूर्य है तो कुछ मामलों में परेशानी भी देगा, जैसे कि आपके बच्चे और आपके जीवन साथी कुछ हद तक कुछ समय ऐसा होगा जिसमें बीमार रह सकते हैं। कुछ कार्य ऐसे होंगे जिसको सफल करने की आप कोशिश तो करेंगे लेकिन उसमें आपको असफलता मिल सकती है। आप ये भी देखेंगे कुछ समय ऐसा होगा कि जब आप बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यात्रा में जब कहीं पर में जा रहे हैं तो एक आध दिन ऐसा होगा जिसमें आपको कष्ट का भी सामना करना पड़े। पेट से संबंधित परेशानी के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। सिर से संबंधित पीड़ा, क्योंकि सूर्य की नीच की दृष्टि है प्रथम भाव पर में, तो सिर से संबंधित पीड़ा भी आपको कुछ परेशान कर सकती है। धन को हमेशा बचाने की कोशिश करें, धन को हमेशा बचा करके चलने का प्रयास करें और मान हानि भी आपकी हो सकती है। मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं, आपके मन में कुछ कलेश की भावना जो है सो जागृत हो सकती है, तो उस मामले में थोड़ा सा आपको अपने मन को कंट्रोल करना होगा, मन को साधना होगा, मन को शांत करना होगा। तो देवी और सज्जनों यही स्थिति है तुला राशि वालों की अभी से लेकर के 14 मई तक की, जिसमें सूर्य उच्च के हुए हैं। कुछ मामलों में परेशानी तो कुछ मामलों में बेहतरीन है समय, ये बड़ा बेहतरीन अच्छा समय है, बहुत सुख लेने का समय है, बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में आपको खूब लाभ मिलने वाला है, उसका पूरे मतलब दिल से लुफ्त उठाएं, लाभ लेने की कोशिश करें देवी और सज्जनों। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव जो अच्छी बातें बताई जाती है वो तो हमारे लिए सपने हो जाते हैं और जो बुरी बातें बताई जाती हैं वही हमारे अपने हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको जरूरत है अपने हस्तरेखा, अपने जन्म कुंडली की MRI स्कैन करवाने की, यानी कि बहुत ज्यादा गहरा रिसर्च करके जानकारी हासिल करने की। अगर आप मुझसे जानकारी इतना गहरा रिसर्च करके प्राप्त करना चाहते हैं, सामने व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।